जो मीट फरोश है, इसके खिलाफ़ बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि ये महंगे दामों पे गोश्त फरोख्त कर रहा है। अकॉर्डिंगली वी लेड ट्रैप और हमने एक कस्टमर को, वॉक इन कस्टमर था, इसको पकड़ा, इसका कंसाइनमेंट चेक किया, उसने इसको गोश्त दिया था 3 किलो 250 ग्राम 1900 रुपये के हिसाब से। जब हमने इसमें कैलकुलेशन निकाली तो अप्रॉक्सीमेटली 587 के हिसाब से उसने 1 किलो भेजा था, जबकि डायरेक्टर फूड की तरफ से रेट लिस्ट इजरा हुआ है जिसमें गोश्त फरोशान साहिबान को सख्ती से अमल करने को कहा गया है, जिसमें रेट है 535 रुपये फी किलो बगैर ओएसडी के। अगर कोई ओएसडी लेगा, जिसको कश्मीरी में हम डोम वगैरह कहते हैं, वो 100 ग्राम ले सकता है और इसको वो 490 रुपये में मिल सकता है। अकॉर्डिंगली कॉन्फिस्केशन के बाद जब हमने पकड़ा, हमने इसको एक चांस दिया, एक एक्सप्लेनेशन निकाली, शोकाज नोटिस इसको शुरू की गई कि आपका दुकान क्यों ना सील किया जाए, क्योंकि आपने मुकर्रर नरक से जायद कीमत पर गोश्त भेजा है। और 2 दिन की मोहलत आज सुबह ख़त्म हो गई थी 10 बजे, ही फेल्ड टू रिप्लाई टू द एक्सप्लेनेशन एंड अकॉर्डिंग ये सीलिंग जो हमने की है ये एज ए डेटरेंट है। इंस्पेक्टर ये बुतपोर खास हिलाल अहमद अमे कोर मे दुकान चीज मे नजन पाई कत वजह पे मे गलती अगर मे कंस द्रोग दुन मे कुल पन्नस रेटस पे माज पन्नस रेटस पे अगर मे द्रोग दुत मे शहादत 3 नफर थे तम ये दुकान मेहित मे 3 किलो माज अकिस तमिस द्राय पाव अलव तत् 3 नफर शहादत ते बाकी मे ये जमींदारी वमींदारी यपर कंडस मे गुत रेत अलव कश कागदन तो तत् गुत रेत अलव यप जमींदारी वमींदारी मे उकन ख्याल कह बाकी ना मे कहीं गलती यम थे मे 2 दो टाइम सह गो रात दोस मजे मे ओन एक रात थूम बन लिखित ये बह द्रायस वो 9:30 तो यू दु मे दुकान पे नर कह ना दुकान थे ये यल दुकान मे त्रा ये कह मे पिलनक वो इन ये मे दप तुम रटी ये तुम ये वो ये दियो नजर इन रुट ना कह कारवाई गई पद। जो मीट फरोश है, इसके खिलाफ बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि ये महंगे दामों पे गोश्त फरोख्त कर रहा है। अकॉर्डिंगली वी लेड ट्रैप और हमने एक कस्टमर को, वॉक इन कस्टमर था, इसको पकड़ा, इसका कंसाइनमेंट चेक किया, उसने इसको गोश्त दिया था 3 किलो 250 ग्राम 1900 रुपये के हिसाब से। जब हमने इसमें कैलकुलेशन निकाली तो अप्रॉक्सीमेटली 587 के हिसाब से उसने 1 किलो भेजा था, जबकि डायरेक्टर फूड की तरफ से रेट लिस्ट इजरा हुआ है जिसमें गोश्त फरोशान साहिबान को सख्ती से अमल करने को कहा गया है, जिसमें रेट है 535 रुपये फी किलो बगैर ओएसडी के। अगर कोई ओएसडी लेगा, जिसको कश्मीरी में हम डोम वगैरह कहते हैं, वो 100 ग्राम ले सकता है और इसको वो 490 रुपये में मिल सकता है। अकॉर्डिंगली कॉन्फिस्केशन के बाद जब हमने पकड़ा, हमने इसको एक चांस दिया, एक एक्सप्लेनेशन निकाली, शोकाज नोटिस इसको शुरू की गई कि आपका दुकान क्यों ना सील किया जाए, क्योंकि आपने मुकर्रर नरक से जायद कीमत पर गोश्त भेजा है। और 2 दिन की मोहलत आज सुबह ख़त्म हो गई थी 10 बजे, ही फेल्ड टू रिप्लाई टू द एक्सप्लेनेशन एंड अकॉर्डिंग ये सीलिंग जो हमने की है ये एज ए डेटरेंट है। इंस्पेक्टर ये बुतपोर खास हिलाल अहमद अमे कोर मे दुकान चीज मे नजन पाई कत वजह पे मे गलती अगर मे कंस द्रोग दुन मे कुल पन्नस रेटस पे माज पन्नस रेटस पे अगर मे द्रोग दुत मे शहादत 3 नफर थे तम ये दुकान मेहित मे 3 किलो माज अकिस तमिस द्राय पाव अलव तत् 3 नफर शहादत ते बाकी मे ये जमींदारी वमींदारी यपर कंडस मे गुत रेत अलव कश कागदन तो तत् गुत रेत अलव यप जमींदारी वमींदारी मे उकन ख्याल कह बाकी ना मे कहीं गलती यम थे मे 2 दो टाइम सह गो रात दोस मजे मे ओन एक रात थूम बन लिखित ये बह द्रायस वो 9:30 तो यू दु मे दुकान पे नर कह ना दुकान थे ये यल दुकान मे त्रा ये कह मे पिलनक वो इन ये मे दप तुम रटी ये तुम ये वो ये दियो नजर इन रुट ना कह कारवाई गई पद।